कि बाबा श्याम हमारी सुनते क्यों नहीं है? क्या बाबा श्याम हमसे नाराज हैं? क्या हमसे कुछ गलती हो रही है? हम टूट चुके हैं, हार चुके हैं, बिखर चुके हैं, थक चुके हैं। अब हम क्या करें? क्या बाबा श्याम भी हमारी नहीं सुनेंगे? अक्सर मेरे पास श्याम भक्तों के कमेंट आते रहते हैं। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो सभी श्याम भक्तों के लिए बहुत ही खास है। तब बाबा श्याम हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। अब ध्यान से सुने, आपको करना क्या होगा? अगर आप भी बाबा के दरबार जा चुके हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपने बाबा श्याम की अरदास लगा दी है, नहीं लगाई है, उस बारे में बात नहीं करते हैं, तब दोबारा से नई तरीके से बाबा श्याम की अरदास अर्जी लगाते हैं। अगर किसी ने 10-15 दिन पहले ही अरदास लगाई है, तब वो भक्त कुछ समय और इंतजार करें, बाबा श्याम जरूर सुनेंगे। बस वो भक्त बाबा श्याम से प्रार्थना करते रहें। और यदि आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले अरदास लगाई है और वो आपकी पूरी नहीं हुई है, तब आप नए तरीके से दोबारा से बाबा श्याम की अरदास लगाओ। और बाबा श्याम की अरदास कैसे लगानी है, तब आप ध्यान से सुने कि अर्जी कैसे लगानी है। अरदास लगाने से पहले आप ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर आप शांति पूर्वक सोच सको। तब आप सोचो कि आपकी परेशानी है क्या, क्या आपको चाहिए बाबा श्याम से। एक बात और, आपकी मन्नत एक ही होनी चाहिए, आपको अरदास मन्नत की लिस्ट नहीं बोलनी है। जैसे नौकरी, बिजनेस चल जाए, किसी एग्जाम में पास हो जाएं, अनेक परेशानी होती है मानव जीवन में, तब एक समय पर केवल एक ही मन्नत मांगनी है। अर्जी अरदास कैसे लगाते हैं, इस टॉपिक पर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो डाली हुई है इस चैनल पर। आपने देखा भी होगा कि बाबा श्याम की अर्जी कैसे लगानी है। ये वीडियो मैं दोबारा से बना रही हूँ। ये उनके लिए हैं जो नए श्याम प्रेमी जुड़े हैं और जो ये कहते हैं कि बाबा श्याम नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो बना रही हूँ। इस तरह से लगाई गई अरदास बाबा श्याम जरूर पूरी करेंगे और अपनी कृपा भी आप सभी पर बनाएंगे। जब आप अपनी अरदास लिखना शुरू करें, तब सबसे पहले तो ध्यान रहे जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तब अरदास में वही लिखें। मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, मुझे मकान मिल जाए, मुझे बच्चे चाहिए, जो भी आपकी अरदास है वो लिखिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपनी अर्जी में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है, पूरी अरदास में नहीं वर्ड का यूज नहीं करना है। एक और खास बात जिसका अरदास लगाते समय ध्यान रखना है कि जब भी आप बाबा श्याम से अरदास लगाएं, तब आप अपने पितरों से, कुल के देवी देवता से प्रार्थना करें और बोलें, मैं बाबा श्याम से अरदास लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप भी मेरे अपने परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा बोलकर बाबा श्याम की अरदास लिखनी शुरू कर देना है। सबसे पहले अरदास में जय श्री श्याम, जय हनुमान लिखना है। उसके बाद अपनी अर्जी को लिखना है। अरदास लगाने के लिए आपको चाहिए 1 लाल पेन, 1 प्लेन पेपर, सूखा नारियल, कलावा और 11 रुपए। अरदास लिखकर आप चाहें तो किसी भी बाबा श्याम के मंदिर में अरदास रख कर आ सकते हैं। अगर आपके आसपास नहीं है कोई भी बाबा श्याम का मंदिर, तब आप अपने घर के मंदिर में भी अपनी अर्जी रख सकते हैं और फिर हाथ जोड़कर बोलें, अरदास लगाना,
मेरा काम था बाबा और इस अर्जी को पूरी करना। बाबा श्याम आपका काम है, इस अरदास को पूरी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो माता अहिल्यावती को वचन दिया था आपने कि कोई भी मनुष्य कुछ भी मांग लेगा मैं इनकार नहीं करूंगा, उन वचनों को याद करो और आप इस अरदास को पूरी करो और आप मेरी अरदास को स्वीकार करें और माता अहिल्यावती के वचनों का पालन करें। मैं टूटा हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ, बिल्कुल बिखरा हुआ हूँ, मुझे इसकी बेहद ही जरूरत है। जो भी भक्त सच्चे और अच्छे मन से पूरे विश्वास के साथ अरदास लगाता है उसकी अर्जी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। बाबा श्याम भक्त का मन भाव देखता है जब भी आप अरदास लिखें और बाबा श्याम के समक्ष रखें या अपने घर के मंदिर में रखें, तब ये बात जरूर बोलना कि मेरी मन्नत पूरी होते ही तेरे दरबार आऊंगा या खाटू धाम आऊंगा, चुलकाना धाम आऊंगा या किसी भी श्याम मंदिर जाऊंगी या जाऊंगा। फिर देखना बहुत ही जल्दी आपकी अरदास पूरी होगी। अरदास के साथ कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाऊंगी, ध्वजा लेकर जाऊंगी। फिर कभी भी आपको ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरा काम नहीं बनाते हैं बाबा श्याम, मुझ पर कृपा नहीं करते हैं, बाबा श्याम नाराज हैं। ध्यान रहे दिमाग वाले लोग बिल्कुल भी अरदास ना लगाएं, केवल और केवल पूर्ण विश्वास और सच्चे भक्त ही अरदास लगाएं। जो भी मनुष्य दिमाग लगाता है उसका हमें नहीं पता कि उनका काम बनता है या नहीं, परंतु जो लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, दिल से मानते हैं, सच्ची आस्था रखते हैं, बाबा श्याम पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को कभी खाली नहीं लौटाता है बाबा श्याम। और खाटू धाम आने का सौभाग्य केवल उनको ही मिलता है जिनका काम हो चुका होता है, जिनके ऊपर बाबा श्याम की कृपा होती है। अगर आप इस प्रकार से अर्जी लगाते हैं तब आपकी अरदास 100% पूरी होगी और बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी श्याम भक्तों के ऊपर बनी रहेगी। बाबा श्याम का नाम मात्र लेने से ही सभी भक्तों के बिगड़े काम बनते हैं। बाबा श्याम तो हम सबके पिता हैं। पिता अपने बच्चों को कभी भी टूटने और बिखरने नहीं देता है। बस जो बच्चे गलती करते हैं उनको पिता सुधारने के लिए मौका देता है। बाबा श्याम भक्तों से भक्ति की परीक्षा तो लेता है। जो भक्त बाबा की परीक्षा में पास हो गया वही भक्त बाबा की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए खाटू के राजा श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।